अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मज़ेदार सी पुलाव रेसिपी। देखें देखने में कितनी मज़ेदार सी लग रही है, चलें इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। मुझे इसके लिए चाहिए 2 बिग साइज़ के प्याज, जिसको मैंने हाफ कट कर लिया है। 3 टेबल स्पून मुझे सौंफ चाहिए। 2 टेबल स्पून मुझे ज़ीरा चाहिए। 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। मैंने 1/2 kg राइस लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और साबित धनिया लिया है 3 टेबल स्पून और 1 कप दही लिया है, जिसको हम जब ऐड करेंगे मैं बता दूँगी। ये 1 kg मैंने इसमें गोश्त डाला और उसके बाद ये सारे साबित मसाले ऐड कर लिए और लहसुन भी डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से गला लेंगे। गोश्त हमारा गल गया है, ये देखें गोश्त गल गया है, और इसको मैं अब एक साइड पर कर दूँगी। दूसरी साइड पर मैंने 2 कप्स ऑयल लिया है। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के ब्राउन करूँगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने प्याज फ्राई की थी गोल्डन ब्राउन, वो 1/2 ले लूँगी। बाकी 1/2 मैं रख दूँगी गार्निशिंग के लिए। ये देखें ये मैंने 1/2 रख दी है साइड में, ताकि मैं बाद में जब पुलाव रेडी कर लूँगी तो मैं ऊपर से गार्निश करूँगी। बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा लुक आता है इसका। इसके साथ मैंने ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया है। इन दोनों को, प्याज को भी मैं और गोल्डन ब्राउन करूँगी और ज़ीरा को भी, क्योंकि फिर हमारा राइस का कलर बहुत अच्छा सा ब्राउन ब्राउन सा आएगा। ये देखेंगे अच्छा सा मैं इसको ब्राउन कर रही हूँ, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो साबित सौंफ और साबित धनिया, ये दोनों चीज़ों को मैं अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी, मोटा मोटा सा। बहुत ज़्यादा मैंने बारीक नहीं किया है, बस मोटा मोटा सा मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया है। अब ये हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और जो गोश्त हमने गलावा अलग कर लिया था यखनी में से, वो भी मैं इसमें ऐड करके थोड़ा सा भून लूँगी बस। और मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी, जो मलमल के कपड़े की ज़रूरत होती है यखनी को छानने के लिए, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा टेंशन रहती है कि मलमल का कपड़ा ही चाहिए, तो मैं ये करती हूँ कि गोश्त मैं अलग कर लेती हूँ, बहुत ईजीली हो जाता है, थोड़ी सी देर में ही हो जाता है। और बाकी जो हमारा पास जो यखनी और उसके अंदर सारे जो साबित मसाले रहते हैं, वो मैं रखती हूँ भगोने के ऊपर छन्नी, चावल छानने वाली छन्नी रखती हूँ, और इसके अंदर पूरा मैं यखनी डाल देती हूँ, जिसमें साबित मसाले वगैरह सभी आ जाते हैं और वो छन्नी में रह जाते हैं। यखनी हमारी भगोने में चली जाती है और साबित मसाले छन्नी में रह जाते हैं। इसको आप स्पून की मदद से ही प्रेस करें, ताकि ये हमारा जी जो अनियन है, लहसुन है, इसका पेस्ट भी छन्नी से होता हुआ उसमें चला जाए, भगोने के अंदर चला जाए। देखें 1-2 बोटियाँ इसमें आ गई हैं, वो मैं निकाल लूँगी। बाकी मैं प्रेस कर रही हूँ तो वो छन्नी के अंदर से ही भगोने में चला जाएगा, और हमारे पास सिर्फ ये एक्स्ट्रा जो है ना धनिया सौंफ वगैरह ये रह जाएगी इस तरह। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, मलमल का कपड़ा रखना पड़ता है संभाल के, और उसको फिर पोटली बनाओ, उसको डालो, तो मुझे झंझट लगती है। तो मुझे ये सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है। अब जो यखनी भी हमने इसमें डाल दी थी, उसको हमने फिर फुल फ्लेम पे कर दिया था, और फिर जो राइस भिगो के रखे हुए थे तकरीबन आधे घंटे से, वो जो 1.5 kg राइस मैंने आपको दिखाए थे, वो उसको मैंने आधा घंटा भिगो दिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर 3-4 साबित हरी मिर्च वो भी ऐड कर दी, और फिर हम इसको अच्छे सा इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं। नमक आपने हसब ज़ायका यूज़ करना है, यखनी में भी आपने ऐड किया है और राइस में भी। तो हमारा पुलाव रेडी हो गया है और बहुत मज़ेदार पुलाव बना है, आपको नज़र आ रहा होगा, मुझे भी नज़र आ रहा है, बहुत मज़े का पुलाव बना है। और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट किएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दिएगा, और वीडियो शेयर करना चाहे तो वो भी कर दिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।